Hello students, previously we have studied the topic invention of wheel and pottery and the other arts. Today we will study the topic battle tools and weapon. So let's start. See page number 9. Here, this is page number 9. We will read the topic, 6th topic, battle tools and weapon. Tools and weapons of the Neolithic men were still made of stone, but these were far better than the earlier ones. These had sharper edges. Men had also learned to polish their tools and weapons. They also provided wooden handles to them. Some new tools and weapons, like the sickle, the bow, and the arrows, were also developed in this stage. In this age. With sickle, men could harvest their crops. Handle axes helped them to develop carpentry. Means Neolithic age यानी पाषाण काल के में उपकरण और हथियार भी पत्थर के बने हुए थे, लेकिन पहले के मुकाबले बेहतर थे. इनमें तेज धार थी. मनुष्य अपने औजारों और हथियारों को चमकाना भी सीख लिया था. उन्होंने लकड़ी के हैंडल भी उन औजारों को दिए. कुछ नए उपकरण और हथियार जैसे दरांती, धनुष और तीर भी इस युग में विकसित किए गए थे. सिकल के साथ पुरुष अपनी फसल काट सकते थे. हैंडल कुल्हाड़ियां ने उन्हें बढ़ईगिरी विकसित करने में मदद की थी. सेकंड पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट है, एक्सटेंड यूज ऑफ फायर. Men had discovered fire by the end of old stone age. Now in the new stone age, they learned to use fire in wider way. They could heat the earthenware to a certain degree in order to harden them for strength. They learned to make small fire in an earthen bowl. This was probably the first lamp they developed to have light and warmth in their huts. They used animals' fats in these lamps. They had also learned to cook their food on the fire to make it tastier and more nourishing. मतलब इस एज में मैन ने एक्सटेंड यूज ऑफ फायर का मतलब क्या है, आज का विकसित उपयोग है ना. मतलब पुरुषों ने पुराने पत्थर की उम्र के अंत तक यानी कि स्टोन एज के अंत तक आग की खोज की थी. अब नए पाषाण युग में उन्होंने एक तरह से आग का उपयोग करना सीख लिया था. वे ताकत के लिए, उन्हें सख्त करने के लिए निश्चित डिग्री के तापमान पर मिट्टी के बर्तन को गर्म कर सकते थे. उन्होंने मिट्टी के कटोरे में छोटी आग लगाकर उसकी व्यापक गर्मी करना सीख लिया था. शायद वो पहला दीपक था जो वे अपनी झोपड़ी में प्रकाश और गर्मी के लिए विकसित किया था, डेवलप किया था. इन लैंपों में जानवरों की वसा का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने यह सीख भी लिया था कि फायर टी पर अपना खाना कैसे बनाना है ना. फायर पर अपना खाना कैसे बनाना है और उसे इम्प्रूव करने के लिए स्वादिष्ट और अधिक पौष्टिक बनाता था वो फायर. समझ में आया आपको, यानी कि स्टोन एज में क्या हुआ था, आग की खोज की थी. अब उसके बाद में जब न्यू स्टोन एज आया तो उसमें उन्होंने आग को और बेटर तरीके से यूज करना सीख लिया. ये टू पॉइंट्स हमने पढ़े हैं. नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक आपको ये पूरा लेसन स्टार्टिंग से लेके यहाँ एक्सटेंडेड यूज ऑफ फायर तक यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ इम्पॉर्टेंट एग्जाम के बारे में. फर्स्ट टेस्ट आपका जो होगा उसके अंदर सारे वर्कशीट्स और सारे नोट्स जो हैं उसी में से ही क्वेश्चन आंसर्स MCQs वगैरह सब उसी में से ही बनेंगे. तो आपको याद करना है वही नोट्स और वर्कशीट्स पक्की तरह से. वो फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो आपका उसी में से होगा. ओके, टिल देन, बाय बाय, सी यू सून.